फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने वीडियो के एंड में जो एंड स्क्रीन कैसे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, एंड स्क्रीन का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा फिलहाल में लेटेस्ट चल रहा है। इस टॉपिक पर यूट्यूब पर वीडियोज़ तो हैं लेकिन उतनी वीडियोज़ नहीं है। तो फ्रेंड, इसलिए मैं भी यही वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, तो क्योंकि जो नए यूट्यूबर हैं या जिन्हें 4 से 5 महीने यूट्यूब पर हो गए हैं काम करते हुए और उनके चैनल को अभी अच्छी खासी ग्रोथ नहीं हुई है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा अपने चैनल को अच्छी ग्रोथ करने में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके मुझे बताएं। इसे लाइक करें, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट में भी बताएं कि आपको वीडियो कितनी पसंद आई। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, एंड स्क्रीन एक्चुअली होता क्या है? एंड स्क्रीन ये होता है कि जैसे अगर आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखते होंगे तो आपको आपने देखा होगा कि वीडियो को पूरा देखने के बाद 3 से 4 वीडियो कितनी भी आ सकती हैं, 1, 2, 3, 4 उस वीडियो के ऊपर छोटे छोटे साइज में शो करता है। तो फ्रेंड, उन्हें ही आप एंड स्क्रीन बोलते हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी वीडियो में ऐसे करते हैं तो अगर कोई भी आपकी वीडियो को पूरा देखता है तो ज़्यादा चांस है जो आप एंड स्क्रीन में वीडियो लगाते हैं उनमें से वो कुछ वीडियोज़ पर क्लिक पक्का करेगा। तो फ्रेंड, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी वीडियो में एंड स्क्रीन कैसे लगा सकते हैं और जिससे कि आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके जो यूट्यूब चैनल पर व्यूज़ पहले से ज़्यादा आएंगे और आपके चैनल की ग्रोथ पहले से जल्दी होगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले एंड स्क्रीन लगाने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में। फ्रेंड्स, क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको जाना है यूट्यूब में। यूट्यूब आप सर्च कर सकते हैं www.youtube.com। तो फ्रेंड, ऐसा आएगा तो इसको आपको कन्वर्ट कर लेना है डेस्कटॉप साइट में। तो ये डेस्कटॉप साइट आप देख रहे हैं नीचे से सेकंड नंबर पर, इस पर करेंगे आप ओके। तो फ्रेंड्स, मैंने ओके कर दिया है। तो देखिए, ये डेस्कटॉप साइट की तरह खुलेगा, जैसे कि कंप्यूटर में साइट खुलती है इस तरीके से अब आपके सामने ये खुल कर आएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो आपको साइड में अपने चैनल का बेल आइकन दिखेगा, मैंने तो लॉगिन किया हुआ है इस क्रोम ब्राउज़र पर। अगर आपने भी किया होगा तो यह शो करेगा आपके चैनल का बेल आइकन। और अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो प्लीज़ लॉगिन करके फिर आप यहां से अपना बेल आइकन पर क्लिक करके करने के बाद आपको करना है थर्ड नंबर पर जो शो कर रहा है एक क्रिएटर स्टूडियो, इस पर फ्रेंड्स आपको करना है ओके। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कुछ खुलेगा इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं आपके चैनल पर जो वीडियो है वो शो करेगा। तो फ्रेंड, आप जिस भी वीडियो में एंड स्क्रीन लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैं 1, 2, 3, 4, 4th वीडियो में एंड स्क्रीन लगा कर आपको दिखाता हूँ कि आपको एडिट का जो ऑप्शन है कि साइड में जो एरो आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे आप, तो ये देखेंगे आप सेकंड नंबर पर एंड स्क्रीन फ्रेंड्स शो कर रहा है। एंड स्क्रीन पर ओके करेंगे। एंड स्क्रीन पर ओके करने के बाद फ्रेंड्स, जैसे ही आप देखेंगे तो ये आपकी वीडियो दिखा देगा। तो फ्रेंड, ये ऑटोमेटिकली आपका टाइम को कन्वर्ट कर देता है, मतलब 30 सेकंड से पहले ऑटोमेटिकली आपका टाइम स्क्रीन पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप वीडियो और प्लेलिस्ट सब्सक्राइब का ऑप्शन भी आप यहाँ लगा सकते हैं, जिससे कि आपका चैनल सब्सक्राइब का ऑप्शन यहाँ पर शो करेगा। चैनल के प्रमोट, किसी का चैनल प्रमोट करने के लिए भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। लिंक, किसी भी साइट का लिंक आप यहाँ दे सकते हैं। मैं तो फ्रेंड्स वीडियो लगानी है तो मैं फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। जैसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये फर्स्ट ऑप्शन है प्ले वीडियो और प्लेलिस्ट। इसके आगे क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट पर ओके करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या है क्रिएट पर ओके। तो फिर इसके बाद आप देख सकते हैं अब ये शो कर रहा है मोस्ट रिसेंट अपलोड। तो फिर इसमें क्या होगा, जो आपने पुरानी वीडियोज़ अपलोड की हुई है तो फ्रेंड उन्हें आप लगाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपने और बेस्ट फॉर व्यूअर्स, मतलब जिन वीडियोस पर आपके सबसे ज़्यादा व्यूज़ आई हैं, अगर आप उन्हें लगाना चाहते हैं एंड स्क्रीन में, तो आप सेकंड नंबर पर क्लिक कीजिए, चूज़ ए वीडियो और प्लेलिस्ट पर। अगर आप किसी भी वीडियोज़ को लगाना चाहते हैं अपने वीडियो की एंड स्क्रीन पर, तो आप उसे चूज़ कीजिए। फ्रेंड्स, मैं थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करते ही मेरे चैनल पर जो भी वीडियोज़ हैं वो सब मुझे शो कर रहा है स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, शो करने के बाद जैसे मैं ये लगा लेता हूँ, मान लीजिए मैंने यही वीडियो चूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको यहाँ करना है क्रिएट एलिमेंट। चूज़ करने के बाद, क्रिएट एलिमेंट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस पर ओके करना है। क्रिएट एलिमेंट पर आप देखेंगे ये वीडियो ऑटोमेटिकली आपके जो वीडियो के ऊपर पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये मेरी वीडियो यहाँ पर आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, किधर भी आप जिधर चाहे एडजस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आप 4 वीडियो लगा सकते हैं अपने एंड स्क्रीन में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और भी इस वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी अगली वीडियो में।